Everyone, welcome back to our channel Learn and Grow Better. Unlock your success with this channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. As you already know, हम कर रहे थे साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हमने समझा. उसके बाद हमने र्यूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है, उनके 4 चैम्बर्ड स्टमक के थ्रू डिटेल में हर एक वीडियो के थ्रू समझा. अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड काइंडली शो योर लव. तो आज का सब टॉपिक है डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा क्या होता है, किस तरीके से डाइजेशन होता है, ये पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा जो है हमारा सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. अब यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सभी क्या है, मल्टीपल सेल से बने हुए हैं. सेल क्या है, बहुत ही छोटी सी यूनिट जो होती है उसे हम कहते हैं सेल. अगर उन सभी सेल्स को जोड़ दिया जाए तो टिश्यू बन जाता है, अगर सभी टिश्यूज़ के ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो ऑर्गन बन जाता है. बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो हमेशा ध्यान रखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसे हम सेल बोलते हैं. अब हमारी बॉडी जो है उसमें हर सेल जो है अपने अपने काम को बांट लेता है. यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं कि हम डाइजेशन करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं. तो सेल्स ने अपने आप को लेबर के हिसाब से क्या कर दिया, ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया. बिकॉज हमारी बॉडी में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं. बट अगर हम बात करें अमीबा की तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है यानी कि यूनिसेलुलर है. तो अमीबा भी बिल्कुल एज इट इज ह्यूमन बीइंग्स की तरह, एनिमल्स की तरह अपने फूड को इनटेक करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं एंड देन डाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी पार्ट में भेजते हैं. उसके बाद जितना भी वेस्ट होता है उसका रिमूवल होता है. तो यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के हर स्टेप्स जो हैं अमीबा परफॉर्म करता है. तो अमीबा के पास एक ही सेल है तो अमीबा इतना सारा काम कैसे करेगा. यस, वो एक ही सेल से सारा काम करता है इन अ वेरी सिंपलर फॉर्म. तो वो कैसे डाइजेस्ट करता है फूड को ये हम समझेंगे. तो अमीबा की बॉडी में क्या होते हैं, अमीबा की बॉडी में फॉल्स फीट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं. आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं आपको डायग्राम वाइज दिखाऊं तो मान लो ये कुछ रैंडम सा स्ट्रक्चर है जिसे हम अमीबा बोलते हैं. और हमेशा ध्यान रखना अमीबा की फिक्स्ड शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है एज पर देयर फंक्शन. तो अमीबा जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. तो आपने ये देखा ये क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर. और यहाँ पर होता है अमीबा का न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है बॉडी का ब्रेन होता है, यही सब डिसाइड करता है क्या फूड आएगा, कैसे जाएगा, क्या एंजाइम्स रिलीज होंगे, कैसे फूड का ब्रेकडाउन होगा. वो कंप्लीट जो हम माइंड का काम होता है, ब्रेन का काम होता है, वो सब कुछ कौन करता है, न्यूक्लियस करता है. अब यहाँ पर अमीबा की बॉडी के यहाँ पर कुछ ऐसे फॉल्स फीट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं. और यही स्यूडोपोडिया जो है हेल्प करते हैं अमीबा को फूड को इनगल्फ करने के लिए. अब मान लो ये फूड पार्टिकल है, अब इस फूड पार्टिकल को अमीबा ने अंदर लेना है. तो अंदर लेने के लिए स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा जो है वो क्या करता है, मूव करता है और फूड को कैच कर लेता है. जैसे ही वो फूड को इनसर्कल कर लेता है तो फूड जो है कहाँ चला जाता है, फूड जो है सेल के अंदर चला जाता है यानी कि अमीबा के अंदर चला जाता है और इनसाइड अ बैग कॉल्ड अ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर कैप्चर हो जाता है. अब इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड के ब्रेकडाउन प्रोसेस में हेल्प करेंगे. तो स्यूडोपोडिया से अमीबा ने क्या करी, मूवमेंट करी. मूवमेंट से क्या करा, उसने फूड को कैप्चर करा. कैप्चर करने के बाद उसने फूड को इनगल्फ कर लिया यानी कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया इन दी फॉर्म ऑफ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल. तो फूड वैक्यूल जो है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ताकि फूड का डाइजेशन हो पाए.
अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो डिफ्यूज कर जाता है साइटोप्लाज्म में एंड इट इज यूटिलाइज बाय द सेल, दिस इज टर्म्ड एज एसिमिलेशन। अब फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जितना लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो फूड जो है उसके साथ मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है और सेल के सभी पार्ट्स तक इजिली ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसे एसिमिलेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया एक तरह से, एसिमिलेशन क्या हो गया एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और फिर जो है बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे यूटिलाइज करती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जो है रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो जितना भी वेस्ट होगा फूड का वो क्या होगा, फूड वैक्यूल में होगा, क्योंकि फूड वैक्यूल में ही फूड का डाइजेशन हुआ है। तो जितना फूड वेस्ट है वो सब कुछ जो है बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। जितना भी आपने समझा डाइजेशन इन अमीबा, अब इसे डायग्रामेटिकली देखो। आपको अभी मैंने बताया अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अमीबा के स्ट्रक्चर में फॉल्स फीट होते हैं जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड क्या हुआ, कैप्चर हुआ। आपने देखा कैसे रेड पार्ट को अमीबा ने स्यूडोपोडिया के मूवमेंट से कैप्चर कर लिया। अब वो कैप्चर करने के बाद बॉडी में इनगल्फ कर लेता है इन दी फॉर्म ऑफ अ फूड वैक्यूल, यानी कि उस फूड पार्टिकल को वो एक बैग में क्या कर देता है, डाल देता है, जिसे हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। और वो फूड वैक्यूल जो है बॉडी के अंदर एंजाइम्स रिलीज होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और जिसकी वजह से फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, सारा प्रोसेस उस फूड वैक्यूल में होता है। फिर जैसे ही डाइजेस्ट हो गया फूड, तो डाइजेस्टेड फूड जो है साइटोप्लाज्म यानी कि उस लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है, यानी कि एसिमिलेट हो जाता है। एंड फाइनली जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, रिमूव आउट हो जाता है अमीबा की बॉडी से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये है हमारे 5 होलोजॉइक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो कि अमीबा एज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है जो कि लास्ट पार्ट था हमारे चैप्टर 2 क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो अच्छे से चैप्टर को डिटेल में आपको समझना है, साथ ही साथ हमने शॉर्ट्स भी डाली हुई हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।